नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा मांगलिक दोष को लेकर के। मांगलिक दोष कैसे बनता है? जब भी कोई व्यक्ति विवाह के निमित्त अपने बच्चे की जन्मपत्री ज्योतिषी को दिखाता है तो सबसे पहले चर्चा होती है कि बच्चा मांगलिक है या नहीं है। साथियों, एक बच्चा मांगलिक है और एक नहीं है, क्या उन दोनों का विवाह हो सकता है? आंशिक मांगलिक क्या होता है और क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस विषय में संपूर्ण जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दे दिया, आप ज्योतिष के द्वारा अपने समस्त प्रकार की समस्याओं का समाधान चाहते हैं या बहुत अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। सुबह 9 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक आप मुझे व्हाट्सएप, SMS या फ़ोन कॉल कर सकते हैं। चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं मांगलिक दोष क्या होता है। जन्म लगन में 1, 4, 7, 8 और 12 यह स्थानों में यदि मंगल विराजमान है तो व्यक्ति मांगलिक होता है और इसका बहुत बुरा प्रभाव उसके गृहस्थ जीवन पर पड़ता है। साथियों, मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक वर से और मांगलिक वर का विवाह मांगलिक कन्या से ही करना चाहिए। अब एक प्रश्न यहाँ पर आता है कि 28 साल की उम्र के बाद, 30 साल की उम्र के बाद मांगलिक दोष कम हो जाता है, हल्का पड़ जाता है, तो इसका उत्तर यह है ऐसा कुछ भी नहीं है। जन्म कुंडली क्या है? जन्म कुंडली जिस समय बालक का जन्म होता है उस समय का आकाश का नक्शा है, तो जो बॉडी स्ट्रक्चर एक बार बन गया वह बन गया, दोष तो कम ज़्यादा नहीं होता। अब अगला प्रश्न है, क्या उपाय करके विवाह कर सकते हैं? एक मांगलिक है एक नहीं है, ऐसी स्थिति में नहीं। आपको पहला प्रयास करना है कि यदि वर मांगलिक है तो कन्या मांगलिक ही आप ढूंढिए। आंशिक मांगलिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। साथियों, या तो व्यक्ति मंगली होता है या नहीं होता है। 1, 4, 7, 8, 12वें स्थान में जन्म कुंडली में मंगल है तो मांगलिक है और नहीं है तो नहीं है। आंशिक मांगलिक कोई भी इस तरह का योग नहीं होता, यह केवल एक भ्रम है। अब बात करते हैं परिहार के बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि जहाँ पर मंगल बैठकर मांगलिक योग जन्म कुंडली में बना रहे हैं उसके साथ या उससे केंद्र में मंगल से 1, 4, 7 या 10वें स्थान में शनि राहु केतु कोई भी पापक ग्रह बैठा हो तो इसका परिहार हो जाता है। कुछ धर्म शास्त्रों में इसका, कुछ ज्योतिष शास्त्रों में इसका वर्णन भी कहीं ना कहीं मिलता है, लेकिन मेरा अपना मत है और साथ ही साथ में कुछ बड़े ज्योतिष के जो ग्रंथ है उनमें स्पष्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र भी दो भागों में बटा हुआ है, ठीक है, लेकिन मेरी आपको सलाह है कि कोई परिहार नहीं होता, बल्कि पापक ग्रह के साथ में या केंद्र में आ जाने से दोष और ज़्यादा बढ़ जाता है। बात बहुत साफ सुथरी, बहुत सीधी साधी यह है कि यदि जन्म लगन में मांगलिक दोष की स्थिति बनती है तो उस बालक का जीवन साथी भी मांगलिक ही चुनना चाहिए। उपाय की जहाँ तक बात है, अगर काम नहीं चलता दैट कंडीशन, और एक मांगलिक है एक मांगलिक नहीं है, शादी करनी है, ऐसी परिस्थिति में योग्य आचार्य, योग्य ज्योतिषी की सलाह से उपाय करके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पहले बचाव करें उस चीज़ से। अगर बिल्कुल काम नहीं चलता तो अलग बात है, ठीक है। साथियों, मैं कामना करता हूँ मांगलिक दोष को लेकर के मैंने कुछ बातें आपको